अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी है आपके पास। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है इस टाइम, T20 अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, उसकी टिकट्स दोस्तों बहुत कम रह गई हैं। आज से 15 ऑफ दिस मंथ से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है प्रोसेसिंग सारी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की। और जो भाई अभी भी वेट कर रहे हैं उनको मैं बताता चलूं, ये चांस अगेन आपको नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप हुआ था यूके में, जब वर्ल्ड कप हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने वीज़े गेट किए, फ्रेश पासपोर्ट में वीज़ा गेट किया। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तानी को इंडिया का और इंडियंस को पाकिस्तानी का वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता जब तक आपके पास इन्विटेशन ना हो, उसके बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जब वर्ल्ड कप वहां पे हो रहा था इंडिया के अंदर, बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पे मैच की टिकट्स परचेज करके मैच देखने के लिए गए, एक्सप्लोर किया कंट्री। जब भी किसी कंट्री के अंदर इवेंट होता है तो उस चीज का आप टिकट परचेज करके या उस इवेंट को उस इवेंट में जाने के लिए जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका डेफिनेटली वीजा मिलता है, 80-90% चांस इंक्रीज होते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, सिडनी में, मेलबर्न में, पर्थ में, हर जगह मैचेस हो रहे हैं और 16 मुख्तलिफ कंट्रीज की जो टीम्स हैं वो इंक्लूड हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। और वर्ल्ड कप में इस साल जो हो रहा है उसमें यूएई की टीम भी इंक्लूड है। और लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था वो यूएई में हुआ था, जो सबसे अच्छा चांस यूएई में रहने वालों के लिए है, उनके लिए है जब वो अप्लाई करेंगे। साथ में कह सकते हैं लास्ट वर्ल्ड कप यूएई में हुआ था, हमने यहाँ पे मैचेस देखे, अब हम ऑस्ट्रेलिया में जाके देखना चाह रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं, 16 टीम्स हैं और एक टीम का कम से कम 6 मैच तो होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, ये एक अलग था। और अगर टोटल मैचेस की बात की जाए तो कम से कम भी कुछ 70 को मैच बन ही जाएंगे, 60-70 मैच, यानी कि 60-70 मैच जो होने वाले हैं वो क्या इन्होंने सारे स्टेडियम बिजनेसमैन से भरेंगे, क्या वो ट्रेवल हिस्ट्री वालों लोगों से भरेंगे, क्या वो जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा उन लोगों से स्टेडियम भरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेडियम जो है वो हर आवाम के लिए खुला हुआ है, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने ओपन किया हुआ, हर बंदे के लिए ओपन है, आप भी जा सकते हो, फ्रेश पासपोर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कहीं पे ये नहीं होता कि जी फ्रेश पासपोर्ट वाले कहीं का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। हाँ, रीजन जब रिफ्यूजल की लगती है उसमें आ जाता है कि जी आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, जैसे कैनेडा देता है, उनको रीजनेबल डाउट्स होते हैं आपके ऊपर कि आपने जाना और वापस नहीं आना। अगर आप उनको रीजन देते हो कि मैं जाऊंगा और प्रॉपर वापस आ जाऊंगा, हर कंट्री आपको वीजा देगा। तो बताता चलूं अगेन, क्लोजिंग टाइम है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिन भाइयों ने अप्लाई करना है वो आज कल में हफ्ते 10 दिन में कर लें, इसके बाद मुश्किल है, इसके बाद वीजा नहीं अप्लाई हुआ, उसकी रीजन है। अब वीजा अप्लाई हो जाएगा, अब रिजल्ट नहीं आएंगे। देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है टिकट्स खत्म हो रही है, उसके बाद 3 मंथ्स पहले अप्लाई कर सकते हैं, 3 मंथ्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हुए हैं, आप अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम एक दो कंट्रीज का और प्लान बना के आपका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मेरे ऑफिस का एड्रेस, मेरा कॉलिंग नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक और चीज बताता चलूं, सम टाइम ऐसा होता कि मैं ऑफिस में नहीं होता हूं, तो ऑफिस में खिजर भाई होते हैं, इमरान भाई होते हैं, अगर मैं नहीं भी हुई तो ये आपको गाइड करेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेटवर्क पे ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।